सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। तो निश्चित रूप से हमको उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा से ओतप्रोत करना होगा और मैं अपने सम्मानित अतिथियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में हमने प्रयास किया है अपने विद्वान आचार्यों के माध्यम से कि केवल बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं दिया जाए बल्कि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक सोच नैतिक मूल्यों का विकास उनके अंदर हो आदर्शों के अनुरूप उन्हें शिक्षा दी जाए और इस बात के लिए मैं स्वयं को गर्वित भी महसूस करता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव दिखाई पड़े समाज में और वो बच्चों के अंदर हमारे जो योग्य बेटे बेटियाँ हैं उनके अंदर एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा एकांगी ना हो शिक्षा में बहुमुखी विकास किया जाए। बच्चे को हमारे निकल कर के यहाँ से जाएँ वो जब किसी के सामने कहीं पहुँचें तो उनके अंदर एक जो प्रतिभा है वो दिखाई पड़े ईमानदारी उनकी दिखाई पड़े नैतिक मूल्यों का विकास हमने किया है ऐसा उनके अंदर दिखाई पड़े। केवल भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है जहाँ तक विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है हमारे अभिभावक
ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।